सत श्रीकाल जी, मैं अवतार गिल, तुसी देख रहे हो जागृति हेडलाइन। सो अज आप पहुंचे हाँ जी लांबा ट्रैवल जलंधर उन्होंने ऑफिस, तो गलबात करांगे जी संजीव लांबा जी नाल। लांबा साहब सत श्रीकाल। सत श्रीकाल जी। तो लांबा साहब, काफ़ी दिनों तो एक वीडियो वायरल हो रही है जिस विच इटली वसदे भारती जो कि इत्थे फस चुके हैं फ्लाइटां बंद होने के कारण। तो पिछले साल भी ताड़ी गाइडलाइन नाल ओ मतलब अपने घर पुजे सी, कि इस बार भी तुसी उन्हां वास्ते कोई उपराला कर सकते? देखो जी, पहला तो जागृति हेडलाइन का बहुत बहुत शुक्रिया जिहड़े साडे ऑफिस च आए ने, जिन्होंने मैनू इस काबल समझिया कि मैं कुछ दसा उन्होंने, या लास्ट टाइम आप जिन्हें भी बंदे इतों इटली तो मेरी गाइडलाइन के थ्रू जिहड़े उत्थे गए सी। देखो जी, गल ये भी पहली गल तो यह भी जिहड़े बंदे इटली तो इंडिया आए ने, चाहे वह 15 दिन लिए आए सी, चाहे वह महीने लिए आए सी, चाहे वह बट इस टाइम तो उन्होंने ये लग रहा भी यार असी बिल्कुल ही ब्लॉक हो गए बह गए, जिमें जिमें जिहड़े अपने हैल्थ मिनिस्टर ने इटली के रोबर्टो स्प्रिएंसा जिन्हों का नाम है, वो अपनी कंट्री ऑब्वियस जी गल जिहड़ी कंट्री से रह रहे हैं वो अपनी कंट्री हैल्थ इशू देख के भी, क्योंकि इटली कहो जी कंट्री सी कोरोना वायरस जी पहली कंट्री जूझ रही थी जिहड़ा पूरे हाहाकार हुई पी सी पूरे वर्ल्ड के विच भी इटली च यह हो गया, इटली च इन्निया लाशा आ गई, इंडिया हो गया, उ हाल दोबारा ना देखते हुए भी इटली कहती है भी इंडिया जिहड़ा इस टाइम है वो इस चीज़ बीमारी का जो महामारी बीमारी का जो रूझ रहा है वो बड़ा टेंशन होकर इस चीज़ को लेके जा रहे हैं। बट जिहड़े साडे भारतीय भाईचारा जो इंडिया आया हुआ वो इस टाइम बड़ी मुश्किल का सामना कर रहा है, वो हुण किसी ना किसी तरीके जाना चाहते हैं भी सानू प्लीज़ तुसीं उत्थे बुलाओ। उन्हां दा एक कारण भी है भी ना बुलाने का कारण भी वो अपनी कंट्री च दोबारा इस चीज़ को देखना नहीं चाहते, तो आपां कहिंदे जी आपां ठीक हाँ जी, कि इंडिया वो समझ नहीं सर इंडिया कहते झूठ बोल रहा है इस चीज़ को लैके भी। आप चाहते हैं भी जिहड़े हैल्थ मिनिस्टर ने वो एक बार अपने चाहे अंबैसी के नाल इटालियन अंबैसी जिहड़े अंबैसडर साहब ने इत्थे उन्होंने गल करन, उन्होंने इंडिया के हालात पूछन, जे उन्होंने लगता भी ठीक है तो फिर सानू आन दें, सानू आन च की बोलना, क्योंकि उत्थे लोगों को घर के किराए पै रहे हैं, उन्हों का सिस्टम खराब हो रहा, कई पेपर्स ने, कई रिछे बूताज ने, या कई सजोर जिन्हों की खत्म हो गई पी आर रेजिडेंसी कार्ड खत्म हो गया, वो हुण जाना चाहते हैं हुण किद्दां जाण, इहदा इक क्वेश्चन है भी असीं चाहते हैं भी ये फ्लाइटां 30 जुलाई तक जिवें इन्हें बंद कीतियां ने, पहला 21 जून सीगा, फिर इन्हां दा नवां ऑडियंस आ गया 18 तरीक नूं भी 18 तो बाद हुण असीं 30 जुलाई तक बंद कर रहे हैं। असीं कहिंदे हां इस चीज़ नूं अगे ना होवे भी 30 जुलाई तक ही स्टॉप हो जाए, उस तो बाद फ्लाइटां नॉर्मल चल पैण या डायरैक्ट फ्लाइटां चलन, इत्थों तक कि भी जिहड़े भारतीय भाईचारा है अपना जिहड़ा इंडिया दे विच, ओह कहिंदे ने भी असीं अपने खर्चे ते ही होटल च क्वारंटाइन हो जाएंगे, सानू ओह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सानू बुलाओ तो सी। हुण कईआं दे बच्चे इत्थे ने, हसबैंड उत्थे ने, वाइफ इत्थे आ, या बच्चे उत्थे ने, या वाइफ उत्थे आ, हसबैंड इत्थे ने, मतलब बड़ी दिक्कत का सामना पै रहा है, इस करके उन्होंने लग रहा भी सानू जल्दी तो जल्दी उत्थे जाना चाहिए। तो इटालियन सरकार नू मैं भी हाथ जोड़ के बेनती करूँगा भी ये प्लीज़ जल्दी तो जल्दी है 30 जुलाई तो अगे ना बधाया जाए तो इन्हों वापस आन दिता जाए ता ही पहली बार की जिंदगी दोबारा जी सक। लांबा साहब, ताडे हिसाब नाल किन्ने क लोग आ जो सिर्फ जे कल्ले पंजाब पंजाब की गल करिए कि किन्ने क लोग आ जो पंजाब दे विच ही फस चुके ने फ्लाइटां बंद होने के कारण? इदां कोई आपां अनुमान नहीं लगा सकते किन्ने बंदे ने, देखो जिन्ने भी किसी के कॉन्टैक्ट च ने, पर मेरे इस टाइम जिहड़े कॉन्टैक्ट च बंदे ने अप्रोक्सीमेटली मन के चलो कोई 700,000 बंदा तो पंजाब पंजाब का ही है, शायद ज़्यादा भी हो सकता, मैनू ये बारे इन्ना एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है जी। तो बहुत सारे ऐसे भैन भरा हैं जिन्हां दे परिवार उत्थे आ जां किसी दा होर कोई फैमिली मैंबर उत्थे आ, तो उन्हां नूं की प्रॉब्लम्स आ रही है क्योंकि तुहाडे नाल तां ओह विचरदे रहिंदे ने? देखो जी, जिहड़ी फैमिलीज उत्थे रह रही हैं आपां मोस्टली लोकी उत्थे किराए ते रह रहे हैं, देखो मालक किराया कभी भी नहीं छड़ता, चाहे वह इंडिया चाहे वह इटली चाहे वह कोई भी कंट्री है वर्ल्ड की, जिन्होंने किराया आंदे उनकी इनकम है, इनकम कोई भी नहीं छुड़ता, इस करके आप अगर इटली की गल करिए मिनीम लोगों का जरा उ रहन बसेरा जो कर रहे उ 400-450 यूरो किराया है, मालक छेगा नहीं, उस तो बाद चाहे वह घर बंद है, चाहे वह बिजली का बिल है, चाहे वह गैस का है, वो बिल आना ही आना जी, ये बड़ी वीड्डी दिक्कत है, जो आप काम ही नहीं करा तो आप खर्चे कितों पूरे करा। धन्यवाद जी, ता बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सर। बाकी जी
ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ।